स्मार्टफोन्स में ऑटो रोटेशन का एक ऑप्शन होता है जिसे ज्यादातर लोग ऑन ही रखते हैं ताकि YouTube पे वीडियो देखते टाइम जब आप मोबाइल को रोटेट करें तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ही रोटेट हो जाए, उसे रोटेट करना ना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि यही ऑप्शन आपके मोबाइल की बैटरी को खाता है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो उसके साथ साथ एक स्पेशल सेंसर एक्सेलरेटोमीटर भी ऑन ही रह जाता है जो कि पीछे से आपकी बैटरी को कंज्यूम करता रहता है। इसीलिए जब जरूरत हो तभी आप ऑटो रोटेशन के ऑप्शन को इनेबल करें, अदरवाइज इसे डिसेबल ही रखें, आपकी बैटरी बचेगी। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल कम से कम कर सकूं, तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। गाइज, आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।